जय श्री राम। हर कार्य में सफलता चाहते हो, चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य हो, अगर आप इस एक शब्द को बोलते हो, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ और ये कार्य सफल होगा। वो तो मैं जब आ जाती है तो इंसान में अहम भाव आ जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन को कहा कि जो भी तू करता है वो सब मुझ पे अर्पण कर दे, फिर वो काम मेरा है आपका नहीं है, फिर उस काम में सफलता दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक कितने भी कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब प्रभु अर्पण कर दो, फिर देखो आपको क्या चमत्कार मिलता है देखने को। आपको निसंदेह 110% उस कार्य में सफलता मिलेगी, अगर वो आपके भविष्य के लिए बढ़िया होगा तो। क्यों? क्योंकि भगवान तो आपका भविष्य देख सकते हैं, आप देख नहीं सकते। आपने कोई इच्छा जाहिर की या कोई काम शुरू किया, आपको असफलता मिल गई और आप दुखी हो जाते हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपने अगर भगवान पे उसको अर्पण कर रखा है, आप भगवान नाम जपते हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं था, तभी मुझे ये मिला नहीं या मुझे उस करियर में सफलता नहीं मिली। क्योंकि ऐसे सुख का भी, ऐसे सफल काम का भी क्या करोगे जिसमें आपको भविष्य में फायदा ना हो, रोना पड़े। जिस तरह से बच्चा होता है, माँ बाप से कुछ चीज़ मांगता है तो माँ बाप को पता है कि ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कई बार उसकी जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है और उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन भविष्य में बच्चा रोता है, तड़पता है कि वो उस दिन मेरी इच्छा पूरी ना की होती तो ही बढ़िया था। और कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे ही भगवान भी हैं, अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो हो सकता है वो गलत मनोकामना भी पूरी कर दें और उसके लिए आपको पछताना पड़े। तो ऐसा कदापि ना करें। आप भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, आप पे अर्पण है, अगर ये मेरे भविष्य के लिए सही है तो आप इसमें निश्चित ही सफलता दिलाएं, तो वो निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे अगर सही होगा तो। अगर आप असफलता मिली है तो भगवान ने आपके लिए उससे भी कहीं बहुत अच्छा सोच रखा है जो आपको मिलने वाला है। भगवान आपको वो देंगे, अवश्य देंगे, बस निरंतरता से उस पर अर्पण करते रहिए और उसके आश्रित होकर उसका नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो वो अवश्य ही सुनेंगे और आपको हर काम में साथ देंगे, मदद देंगे, सफलता देंगे।